सुबह सुबह 6 बजे नींद में उठ के मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। सो नाउ आई एम इन द रेलवे स्टेशन TRA एंड MRTC से हम यहाँ पर आए हैं सुबह सुबह। होपफुली सब अच्छा होना चाहिए एंड बजर बज गया एंड ये ट्रेन अब भागने वाली है एंड आई एम वेटिंग फॉर माय ट्रेन। बिकॉज हमारे साथ जो ये लड़की है इन्होंने सुबह सुबह उठ के बड़े प्यार से हमारे लिए खाना बनाया था बट वो भूल चुकी है। सो वी आर ईटिंग दिस। चीयर्स। चीयर्स। आई एम वेरी डिप्रेस्ड बाय दिस। इट्स ओके। सो अब हम अपनी ट्रेन में आके बैठ चुके हैं। आर यू एक्साइटेड साक्षी? यस वेरी एक्साइटेड बिकॉज शी प्लान्ड एवरीथिंग। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द ट्रिप। सकल में बैंड बज रही है एंड दिस इज आवर होस्टल एंड सी द व्यू। दिस इज द व्यू एंड दिस इज आवर होस्टल। सो दिस इज द होटल फ्रॉम द इनसाइड एंड इट इज सो क्यूट। एक्चुअली इट्स नॉट अ होटल, इट्स अ हॉस्टल। ब्लॉगिंग चालू है हमारी। So we just had our breakfast and breakfast and बहुत ज़्यादा यम्मी था। पहली बार मैंने ताइवान आकर बर्गर खाया है एंड हमें इतना टेस्टी लगा कि हमने सैंडविच भी पैक करा लिया रास्ते के लिए क्योंकि अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था रेस्ट करने का या कुछ भी बिकॉज एक तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड या वी आर रेडी टू गो। एंड ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा। इनके पास इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शन हैं, यू कैन ईट सैंडविचेस, बर्गर एंड रैप्स हियर। एंड ये रहा हमारा सैंडविच। अब हमें बस लेनी है नेशनल पार्क तक एंड फिर मिलते हैं। दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड द ब्यूटीफुल गर्ल्स। So now we are going to Taro National Park. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड ये रही हमारी टिकट। तो पहले हम लेंगे बस, सॉरी पहले हम लेंगे ट्रेन एंड देन 10 मिनट की बस। बस में बैठ चुके हैं। यूपी हाउ द जोश। हाय ओके वॉच कर हाय होगा। और मैंने अपनी विंडो सीट ले ली है बिकॉज मेरे को सारे व्यू कैप्चर करने हैं एंड आई एम हियर फॉर द व्यू। फोटो क्लिक करने का भी मन नहीं करता उसके बाद। ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से।
साक्षी, हाउ इज द जोश? रियली हाई। भागी मूवी की याद आ गई जिसमें श्रद्धा कपूर मेबी फुकेट में होती है एंड शी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस एंड बोट में जो शूटिंग होती है वो वाली शूटिंग याद आती है मेरे को यहाँ का क्रिस्टल वाला पानी देख के एंड आई वॉन्ट टू टच द वाटर बट यहाँ पर अलाउ नहीं है सो अकॉर्डिंग टू मी दिस प्लेस इज ऑसम। यस राइट। नाउ वी आर एट डिफरेंट प्लेस जहाँ पे ये केव्स जहाँ पर केव्स अरे कहना क्या चाहते हो केव्स बनी हुई हैं एंड हमें अब कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर जाना है सो बस हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारी पीछे केव्स बनी हुई हैं एंड उस तरफ ब्रिज है लम्बी चलिए क्योंकि सीधा केव एंड बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पर इवन जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो भी एक केव है एंड ऊपर से पानी गिरने में लगा है एंड कभी कभी रॉक्स भी गिर जाती हैं सो लेट्स गो। यहाँ पर बहुत अच्छी फोटो आएगी पहले जो पानी था वो पानी एकदम क्रिस्टल ब्लू था एंड ये वाला पानी ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंट का पानी आ रहा है। कीड़ा तो नहीं है ना। हेवन एंड थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पर क्योंकि इतने सारे पहाड़ों के बीच में एंड ये थोड़ी अलग टाइप के पहाड़ है जैसे मैं दिखाती हूँ कैसे पहाड़ है ऐसे समझ में नहीं आएगा। सी दिस इज द पहाड़ एंड आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें कितना डर लग रहा है इसको देखकर ना हल्का हल्का इन माउंटेन्स को देखकर हाँ मेरे को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वहाँ पर भी पास जाकर एक और केव टाइप का है एंड यहाँ से भी पानी आ रहा है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट बिकॉज आई एम सो टायर्ड। नेक्स्ट डे हम उठ के सुबह सुबह बाईसाइकिल राइड करके हम इस बीच पे आ गए थे जो कि स्टोन बीच है। ह्वालियन का बहुत फेमस बीच है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आई रियली लाइक इट। वी एंजॉयड इट अ लॉट। तो बीच हम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ गए क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए थे इनका वेजिटेरियन खाने से